हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस एंड द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। टुडे आई विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अभी आज हम परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूपीएससी सीसैट 2021 के अंदर आया हुआ था। ओके, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, एंड इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। दैट मीन्स कि अब यहाँ से क्वेश्चन में मुझे क्या पता चला है कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स है, देयर सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड सम आर फ्रॉम फॉरेन, सम आर बॉयज, सम आर गर्ल्स। अब हमने उसको फाइंड आउट करना है कि इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर से बॉयज गर्ल्स कितने और फॉरेन स्टूडेंट्स के अंदर से बॉयज गर्ल्स कितने। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे उसने कहा अगर मैं कहती हूँ परसेंटेज में डाटा है, तो अगर हम टोटल 100% कंसीडर करते हैं, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर यू कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है ना। सो लेट अस से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100 एंड आउट ऑफ 100 उसने क्या कहा इंडियन कितने हैं, इंडियन आर 60। That means what? कि जो remaining है, remaining are foreigner, they are 40 students. The second point is कि total जो 100 है, उसमें से जो 50% है, they are girls and the 50% are boys. यहाँ तक हमें यही given है। उसके बाद एक और point यहाँ पे given है क्या? If 30% of the Indian students are girls, 30% of Indian students कितने थे? These are 60, okay? And इसके अंदर से भी क्या कह रहा है? जो girls हैं, girls कितनी हैं? These are 30%. That means 18 are girls. अगर हम बात करते हैं boys के, that means कि जो remaining है, they are boys. These are 70%. This is 42. This is 42. Clear? अब अगर हमारे पास में girls कितनी है? 18 है. And we know total girls are 50. That means कि जो foreigner students है, बाकी की जो girls है वो foreigner है, बाकी girls foreigner है। That means कि ये जो data given है 40 का, इसके अंदर से अगर मैं देखूँ कि जो 32 है वो कौन है, girls। 32 कैसे आया आपके पास? There are total 50 girls, इसके अंदर से 18 कौन सी थी, Indian। तो 32 के आगे आपके पास में foreigner girls आ गए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं boys की, तो boys कितने रह गए, 8। Now what is the question? Question is What percent of foreign students are boys? Foreign students में से कितने boys हैं? उनकी percentage आपको find out करनी है। तो यहाँ पे अगर हम boys की बात करें, there are total 8 out of 40 foreigner students into 100. So this will be 20%. Okay? So answer will be what? This will be 20%. 20%. Okay? I hope सभी को clear है। If you get any kind of doubt in this question, in that case you can comment in the comment section. अगर आपको लगता है कि हाँ this video is very helpful for you और आपने कुछ सीखा है इससे, in that case you will like the video and share with your friends. मैं सभी friends के साथ में share करेंगे सभी, okay? And the aspirants who are willing to join any complete course for CSAT, अभिमन्यु आप लोगों के लिए एक कंप्लीट CSAT के लिए कोर्स लेके आया है, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस भी डिटेल कराया जाएगा। बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक वी स्टार्ट, आपके एक सिंगल सिंगल कंसेप्ट पे फोकस किया जाएगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको मिल रहा है 2 डेज का फ्री ट्रायल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन यू कैन ज्वाइन द फ्री ट्रायल। ओके, एंड द एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू टेक द परसेंटेज टॉपिक ओनली, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप सिर्फ परसेंटेज भी ले सकते हो। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।